हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ नया जरूर पढ़ रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे। दोस्तों, जब अमीर लोगों की बात आती है तो अधिकांश लोगों का ये सोचना होता है कि वो किस्मत से अमीर बनते हैं। तो क्या हकीकत में ऐसा ही होता है? अमीर लोगों की किस्मत अच्छी होती है जो वो अमीर बनते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? दोस्तों, आज की जो हमारी बुक है उस बुक का नाम है हाउ रिच पीपल थिंक, और इस बुक को लिखा है स्टीव सीबोल्ड ने। दोस्तों, ये एक ऐसी बुक है जो हमको ये सिखाती है कि अमीर लोग सोचते कैसे हैं, आखिर किस तरह से गरीब और मिडिल क्लास लोगों से वो अलग सोचते हैं, जो उनको वर्ल्ड क्लास बनाता है, जो उनको अमीरी बनाता है। क्या उनकी किस्मत से वो अमीर बनते हैं, या फिर कुछ ऐसा है कि जो गरीब और मिडिल क्लास लोग नहीं करते हैं, जो अमीर लोग करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ सीखने वाले हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको गरीब और मिडिल क्लास नहीं समझता है, जबकि अमीर उन्हीं चीज़ों को समझ के, उन्हीं चीज़ों को करके वो ज़िंदगी में अमीर बनता है। दोस्तों, इस बुक में ऑथर ने बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में एक कंपैरिजन किया है टोटल, कि मिडिल क्लास और जो वर्ल्ड क्लास लोग हैं उनमें क्या डिफरेंस है, क्या उनके सोचने के तरीके में अंतर है, कैसे वो काम करने के उनके जो तरीके हैं, एक केवल सोच ही है जो उनको अलग बनाती है दूसरों से। तो ऑथर कहते हैं कि अमीर जो हैं वो किस्मत से नहीं, या कोई प्रिविलेज नहीं होता है उनके पास। जो सेल्फ मेड मिलियनर्स होते हैं वो बेसिकली उनकी जो सोच होती है वही है जो उनको ज़िंदगी में अमीर बनाती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम 20 ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसी हैबिट्स, ऐसी थिंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जो गरीब और मिडिल क्लास लोगों में नहीं पाई जाती है, जबकि अमीर उसी को फॉलो करके अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि मिडिल क्लास फोकस ऑन सेविंग बट वर्ल्ड क्लास फोकस ऑन अर्निंग। जो मिडिल क्लास इंसान है वो क्या करते हैं, वो सेविंग पे फोकस करते हैं, पैसे बचाने पे फोकस करते हैं। लेकिन उसी एनर्जी को, देखो एनर्जी लग रही है आपकी, जितना आप पैसे बचाने के बारे में सोच रहे हो आप एनर्जी लगा रहे हो। और जो अमीर लोग होते हैं, जो वर्ल्ड क्लास लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अर्निंग पे फोकस करते हैं, अपनी उसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं कि वो कैसे अपनी अर्निंग बढ़ाएं, जो उनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है वो बनाएं, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड ना रहें, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बने उनके, चाहे वो उनकी सैलरीज के बेस पे हो, या फिर रियल एस्टेट हो, या फिर स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से उनको रेगुलर इनकम आती रहे, प्लस एक से ज़्यादा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम वो अपने बनाते हैं कि जहाँ से उनके पास लगातार पैसा आता रहे। वो उसी एनर्जी को, जिस एनर्जी को मिडिल क्लास सोचता है कि मैं पैसे बचाने पे लगाऊं, कहाँ कहाँ से मैं पैसे बचाऊं, कहाँ कहाँ से पैसे बचाऊं, उसी एनर्जी को वर्ल्ड क्लास फोकस करता है कि कैसे वो उस एनर्जी से, उस एनर्जी को उस जगह पे लगाए कि जहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोच सके, ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स क्रिएट कर सके जो उसको पैसा बना के दें। दूसरी जो चीज़ है वो है, मिडिल क्लास बिलीव करता है कि हार्ड वर्क क्रिएट्स वेल्थ, जबकि जो वर्ल्ड क्लास है वो बिलीव करता है कि लिवरेज क्रिएट्स वेल्थ। यानी कि जो गरीब लोग होते हैं या मिडिल क्लास लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसा बनाया जाता है, यानी कि जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, जो वर्ल्ड क्लास लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि लिवरेज से पैसा बनाया जाता है। देखो, अमीर लोग बिजनेसमैन क्या करता है, एक बिजनेस बनाता है जहाँ पर कि वो ना भी रहे, लेकिन उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि बाकी सारे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और उसके पास पैसा जो है वो आ रहा है, यानी कि लोगों की एक टीम है जो काम कर रही है और तब जाके पैसा बन रहा है। अब आप सोचो, जितने भी बिजनेसमैन है क्या अकेले सारा काम करते हैं? वो नहीं करते हैं, वो जानते हैं कि दूसरों, अब एक बिजनेसमैन है उसके पास गाड़ी को मैन्युफैक्चरिंग करना क्या है, उसको मैन्युफैक्चरिंग भी आए, उसको मार्केटिंग भी आए, उसको सेल्स करना भी आए, ज़रूरी नहीं है। वो ऐसे लोगों को हायर करता है कि जो उसके लिए वो काम करेंगे और उसकी वजह से उसकी जेब में पैसा आएगा। तो अमीर लोग एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, बेसिकली वो लीवरेज से काम करते हैं, वो दूसरों से काम करवाना जानते हैं, वो वही उनको ज़िंदगी में अमीर बनाता है। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने हम अमीर बनेंगे, लेकिन अमीर इसका बिल्कुल उल्टा सोचता है। वो लीवरेज, वो जानता है कि लीवरेज एक ऐसा टूल है जिससे आप भारी से भारी चीज़ को भी उठा सकते हो, बड़े से बड़ा काम भी आप कर सकते हो, जितना ज़्यादा पैसा आप बना सकते हो वो आप लीवरेज के थ्रू बना सकते हो। तीसरी जो चीज़ है वो है कि मनी, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सोचते हैं कि मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल, जबकि जो वर्ल्ड क्लास लोग हैं वो सोचते हैं कि पॉवर्टी इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल। यानी कि जो मिडिल क्लास लोग वो ये सोचते हैं कि पैसा सारी समस्याओं की जड़ है, सारी बुराइयों की जड़ जो है वो पैसा है, जबकि अमीर लोग ये सोचते हैं कि गरीबी समस्याओं की जड़ है। इसलिए उनका टारगेट ये होता है कि कैसे वो ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा अर्न करें और जितना हो सके उतना इस दुनिया से गरीबी मिटाने का प्रयास करें। इस दुनिया से गरीबी जानी चाहिए बेसिकली, क्योंकि गरीबी के, जब पैसों के अभाव के कारण कितनी सारी बुराइयाँ जन्म लेती हैं ये हम सब जानते हैं। जब इंसान, हमने देखा है ना कि थोड़े से पैसों के लिए किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, पैसे की कमी
सारी बुराइयों की जड़ है ये अमीर लोग सोचते हैं, जबकि मिडिल क्लास आदमी ये सोचता है कि पैसा बुराइयों की जड़ है, यानी कि पैसा अपने साथ बुराइयाँ लेके आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो है कि मिडिल क्लास जो है वो फॉर्मल एजुकेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है, और जो वर्ल्ड क्लास लोग हैं वो स्पेसिफिक नॉलेज पे फोकस करते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्हें ज़िंदगी में अमीर बनना है तो उन्हें कुछ ऐसा नॉलेज प्राप्त करना होगा, जो ऐसा स्पेसिफिक ज्ञान उनको प्राप्त करना पड़ेगा जो ज़िंदगी में उनको आगे लेके जाएगा, जो उनको दूसरों से अलग करेगा बेसिकली, और उसी स्पेसिफिक नॉलेज की वजह से ही वो अमीर बनते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि मिडिल क्लास जो है वो ये सोचता है कि मनी इज़ अर्न थ्रू लेबर, जबकि वर्ल्ड क्लास आदमी सोचता है कि मनी इज़ अर्न थ्रू थॉट। यानी कि जो मिडिल क्लास है वो कहता है कि भाई हम हार्ड वर्क जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क होगा उतना ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन अमीर इंसान ये सोचता है कि पैसा जो है ना वो लेबर से नहीं, वो किससे आता है, वो आता है थॉट से। यानी कि आपके पास कुछ ऐसा विचार होना चाहिए, ऐसा कोई आइडिया, ऐसा थॉट आपके पास होना चाहिए कि जो आपको पैसा बना के दे। अब देखो थॉट ही तो था, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक स्टार्ट की तो एक विचार था और उसी विचार ने उनको अमीर बनाया। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट है, हम जानते हैं कि एक विचार था बेसिकली, एक थॉट था दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने का, दुनिया में कुछ क्रिएटिव करने का, और उस थॉट ने बिल गेट्स को अमीर बनाया। ये हम एक अमेज़ॉन है, जेफ बेजोस का अमेज़ॉन हम देखते हैं, अमेज़ॉन एक थॉट ही है बेसिकली, कि एक विचार था कि यहाँ का सामान इस तक पहुँचा दिया जाए, बीच में सिर्फ एक माध्यम बनना है बस खाली, यानी कि किसी के पास सामान है, किसी को सामान की रिक्वायरमेंट है, और उन दोनों को आपस में मिला दिया, वो प्लेटफॉर्म बन गया अमेज़ॉन। अब आपने देखा है अमेज़ॉन विश्व में आज क्या स्थान रखता है, हम सब जानते हैं। तो एक विचार बेसिकली जब तक आपके अंदर ऐसा नहीं होगा तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। तो अमीर लोग जानते हैं कि विचार से अमीर बनते हो आप। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है सिक्स, वो है कि जो मिडिल क्लास है वो खर्च करने के बारे में सोचता है, थिंक्स अबाउट स्पेंडिंग, और जो वर्ल्ड क्लास है वो थिंक्स अबाउट इन्वेस्टिंग। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो जब उनकी सैलरी आती है ना तो उनका पहला ये होता है कहाँ कहाँ खर्च करना है, अच्छा ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, वो लेना है। जबकि जो अमीर लोग हैं, जो वर्ल्ड क्लास लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, कोई इनकम अगर उनके पास आती है तो वो कैसे उसको इन्वेस्ट करें, जितना ज़्यादा हो सके उसमें से वो इन्वेस्ट कैसे करें। तो ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम लोग जब हमारी सैलरी क्रेडिट होती है बेसिकली, तो हम क्या करते हैं कि उस सैलरी में से पहले ही प्लान बना लेते हैं इस महीने कि ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये खरीदना है। लेकिन वहीं जो वर्ल्ड क्लास लोग हैं वो ये प्लान बनाते हैं कि इसमें से सबसे पहले मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट अलग करनी है, यानी कि जब उनके पास कोई इनकम आती है तो इतना भाग मुझे इन्वेस्ट करना है, पहले वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। सेवन्थ जो पॉइंट है वो है, मिडिल क्लास लॉटरी मेंटेलिटी पे बिलीव करते हैं और वर्ल्ड क्लास एक्सेस मेंटेलिटी पे बिलीव करते हैं। यानी कि मिडिल क्लास क्या करते हैं, वो सोचते हैं उनकी कोई लॉटरी लग जाए, बहुत ज़्यादा पैसा उनको कुछ अचानक में ऐसा मिल जाए ताकि उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वर्ल्ड क्लास आदमी जानता है कि ऐसे लॉटरी मेंटेलिटी से आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हो, आप अमीर नहीं बन सकते हो, आपको एक्शंस लेने होंगे, और जितने ज़्यादा एक्शंस आप लोगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे अमीर बनने के। तो वो एक्शंस लेते हैं बेसिकली अपने गोल की तरफ, जो उनको अमीर बनाता है। एट जो पॉइंट है वो है कि मिडिल क्लास ये सोचता है कि यू हैव टू डू समथिंग टू गेट रिच, यानी कि आपको कुछ करना होगा जो आप अमीर, जिससे कि आप अमीर बनो बेसिकली। लेकिन वर्ल्ड क्लास आदमी सोचता है कि यू हैव टू बी समथिंग टू गेट, यानी कि आपके पास कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा विचार, कुछ ऐसा थॉट्स, कुछ ऐसा आइडिया, कुछ ऐसा क्रिएटिवनेस आपके पास होनी चाहिए जो आपको अमीर बना सके। मेहनत तो सभी करते हैं, अगर खाली मेहनत करके ही लोग खाली अमीर बनते तो फिर तो एक मजदूर भी जो है वो करोड़पति होता बेसिकली। तो फ़र्क उससे पड़ता है कि आपके पास क्या है जो आपको अमीर बना पाए, क्या आपके पास कोई ऐसा थॉट्स, ऐसा विचार है आपके पास कोई ऐसा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि मिडिल क्लास लोग ये सोचते हैं कि मनी इज़ अबाउट स्टेटस, जबकि वर्ल्ड क्लास आदमी सोचता है कि मनी इज़ अबाउट फ्रीडम। मिडिल क्लास इंसान सोचता है कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और जो महंगे जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है बेसिकली, वो बेसिकली पैसे से प्राप्त की जा सकती है, वो पैसा है। जबकि जो वर्ल्ड क्लास आदमी है वो ये सोचता है कि पैसा जो है वो फ्रीडम है, आपको फ्रीडम देता है। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप, जिससे कि आपको पैसे के लिए बेसिकली काम ना करना पड़े, तो आप ज़िंदगी में आपके पास फ्रीडम होती है उस काम को करने की, कि जो काम आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो, जिसको करने में आपको खुशी मिलती है। कभी भी छुट्टी नहीं ले सकते अपने काम से, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमने छुट्टी ले ली तो हमारे पैसे कट जाएंगे। तो वहीं वर्ल्ड क्लास आदमी ये सोचता है कि पैसा उसके पास इसलिए होना चाहिए ताकि उसको फ्रीडम मिल सके बेसिकली। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों की सोच में। टेंथ जो पॉइंट है वो है, क्लास लिव्स बियॉन्ड दियर मींस, और जबकि वर्ल्ड क्लास जो हैं वो लिव्स बिलो दियर मींस। यानी कि मिडिल क्लास जो इंसान होते हैं वो जो उनकी इनकम होती है ना उससे ज़्यादा खर्च करते हैं बेसिकली। वो हमेशा उनकी जो सैलरी आती है पहले ही उनको पता होता है कि हमारी सैलरी इतनी आनी है, लेकिन खर्चे हमेशा उससे ज़्यादा होंगे हमेशा। लेकिन जो वर्ल्ड क्लास इंसान होता है वो हमेशा अपनी आमदनी से कम पे
जो है वो कम खर्च पे रहना सीखता है। वो क्या करता है, वो जानता है इस बात को कि अपनी इनकम का एक बड़ा भाग मुझे इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करता है एक बड़े भाग को पहले अलग कर देता है और हमेशा छोटे से भाग में वो अपना ज़िंदगी का गुजर बसर करता है और एक भाग को वो इन्वेस्ट करता है। सपोज़ करो किसी की सैलरी 50,000 है, तो वो इंसान क्या करेगा, वो पहले ये सोचेगा बेसिकली कि इसका 20% 10,000 रुपये क्या करूँ मैं अलग रख दूँ एक इन्वेस्टमेंट के लिए और 40,000 में अपना घर चलाऊँ। जबकि जो मिडिल क्लास है वो क्या करेगा, 50,000 अगर सैलरी होगी तो खर्च उसके 55,000 के होंगे बल्कि, और इससे करके वो धीरे धीरे डेट की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनके पास होता है लूजली डिफाइंड गोल्स विद फ्लेक्सिबल डेडलाइंस, और जबकि जो वर्ल्ड क्लास लोग होते हैं उनके पास हाईली डिफाइंड गोल्स विद डू और डाई डेडलाइंस होती हैं। क्लास लोगों के पास कभी भी उनका एक कोई फिक्स गोल नहीं होता है, ना कोई उनके पास कोई डेडलाइन होती है उस गोल को प्राप्त करने का कि मुझे ये चीज़ इस दिन तक प्राप्त करनी है। जबकि वर्ल्ड क्लास आदमी के पास एक फिक्स गोल होता है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है और इस समय तक अचीव करनी है, और उसी के हिसाब से बेसिकली वो एक्शंस लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये है कि जो मिडिल क्लास हैं वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो हमेशा कंफर्ट जोन को बेसिकली वो प्यार करते हैं, कंफर्ट जोन में ही रहना उनको अच्छा लगता है। जबकि जो वर्ल्ड क्लास लोग होते हैं वो जानते हैं कि कंफर्ट जोन को जब तक वो ब्रेक नहीं करेंगे तब तक बेसिकली वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। उनको कंफर्ट जोन से निकलना होता है क्योंकि हम लोग ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाहते हैं, यानी कि कुछ मुश्किलें आई उस चीज़ को छोड़ दिया, बस अपने कंफर्ट जोन, छोड़ो यार ये चीज़ नहीं हो पाएगी, छोड़ दो बस अब यहीं रहें। वर्ल्ड क्लास आदमी जानता है कि जब तक मैं इस प्रॉब्लम से निकलूंगा नहीं, जब तक मैं इस प्रॉब्लम से आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक मैं ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं कर सकता, तो वो उस प्रॉब्लम को फेस करता है, आगे बढ़ता है, फिर और प्रॉब्लम्स आती हैं वो उनको फेस करता है, आगे बढ़ता है। इस तरीके से उसकी जो है वो जर्नी चलती रहती है, सक्सेस की, सीखने की, आगे बढ़ने की जर्नी चलती है। और जो मिडिल क्लास आदमी होता है वो वहीं का वहीं रहता है, वो कुछ भी नया नहीं सीखना चाहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हैड एन अनफेयर एडवांटेज, जबकि जो वर्ल्ड क्लास लोग होते हैं वो सोचते हैं देयर एडवांटेज वाज हार्ड वर्क। जो मिडिल क्लास आदमी हमेशा ये सोचता है कि यार वो अमीर हो गया, उसकी किस्मत अच्छी थी, उसके पास पैसा था, उसके पास उसकी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया, सारी सिचुएशन उसके फेवर में थी, इस वजह से वो अमीर बन गया। जबकि जो वर्ल्ड क्लास आदमी है वो जानता है कि कोई एडवांटेज नहीं बल्कि उसकी हार्ड वर्क जो है, उसकी मेहनत जो है बेसिकली, उसकी वजह से वो आज जो है वो अमीर बना है। तो ये सोच दोनों में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जॉब गिव्स देम सिक्योरिटी। ये मिडिल क्लास आदमी सोचता है कि उसकी नौकरी जो है उनको सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि जो वर्ल्ड क्लास आदमी सोचता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, देयर इज़ नो सच थिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि जॉब आपको सुरक्षा दे। आप खुद सोचो, आप जॉब करते हो, क्या आप सिक्योर हो? आपको पता है आज आपकी जॉब है कल रहेगी? कोई गारंटी है? आज के प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं कितना, अब कहीं रिसेशन आ जाता है, कहीं कोविड जैसे हालात आ गए, कहीं कुछ कोविड जैसे हालात में हमने देखा है कि कितने सारे लोगों की जॉब चली गई। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लोग नौकरी करते थे उन लोगों की जॉब चली गई, तो क्या सिक्योरिटी थी उनके पास? तो ये वर्ल्ड क्लास आदमी जानता है कि जॉब कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास आदमी ये सोचता है कि ये सिक्योरिटी है, बस अच्छी जॉब मिल गई बस बहुत हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जो मिडिल क्लास आदमी सोचता है कि स्टार्टिंग बिजनेस इज रिस्की, जबकि जो वर्ल्ड क्लास आदमी है वो सोचता है कि स्टार्टिंग बिजनेस इज द फास्टेस्ट रोड टू वेल्थ। यानी कि मिडिल क्लास आदमी ये सोचता है कि जो बिजनेस है वो स्टार्ट करना रिस्क है, मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा, सक्सेस नहीं होगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया हूँ। जबकि जो वर्ल्ड क्लास आदमी जानता है कि अगर आपको ज़िंदगी में बड़ा पैसा हासिल करना है, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है, अमीर बनना है, तो आपको बिजनेस एक ऐसा माध्यम है जो आपको जल्दी अमीर बना सकता है। क्योंकि जब आप बिज़नेस के थ्रू आप अमीर की तरफ आप आगे बढ़ते हो तो आप अमीर वहाँ से ज़रूर बनते हो, क्योंकि बिज़नेस एक ऐसा सिस्टम तैयार करता है कि जो आपको लिवरेज देता है, जो आपको लिवरेज के माध्यम से क्या करता है कि वो आपको अमीर बनाता है। आप वहाँ पे नहीं भी होते हो तो भी आपका सिस्टम आपके लिए काम कर रहा होता है। तो इस बात को अमीर आदमी जानता है कि बिज़नेस पैसा कमाने का उसका एक बहुत अच्छा साधन है जो उसको अमीर बना सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जो मिडिल क्लास हैं वो टीचेस देयर किड्स टू बी हैप्पी विद व्हाट दे हैव, जबकि जो वर्ल्ड क्लास लोग होते हैं वो हैं कि टीचर्स दियर किड्स हाउ टू गो फॉर देयर ड्रीम्स। यानी कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि उसी में खुश रहो जो तुम्हारे पास है, जबकि जो वर्ल्ड क्लास इंसान होते हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे अपने सपनों को पूरा किया जाता है, कैसे उनको अपने सपने पूरे करने चाहिए, क्या उनको करना चाहिए, कैसे एक्शंस उनको लेने चाहिए कि वो अपने सपनों को पूरा करें ज़िंदगी में। वो उनको कहते हैं कि आपको जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो सपने आप देखते हो, कुछ बड़ा हासिल करने के सपने आपके, वो आपको बेसिकली अचीव करना है। तो ये सोच है, देखो एक कह रहा है कि जो आपके पास है उसी में खुश रहो बस, आगे बढ़ने का, आगे नहीं बढ़ना बस। दूसरा उनसे कह रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, जो आपका सपना है उसको आपको पूरा करना है। तो ये दोनों में देखो कितना बड़ा डिफरेंस पैदा करती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो हैं कि वेटिंग टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम फाइनेंशियल मीडियोक्रिटी, जबकि जो वर्ल्ड क्लास लोग होते हैं वो जानते हैं कि नो वन इज़ कमिंग टू द रेस्क्यू।
मिडिल क्लास आदमी हमेशा सोचता है कि कोई आदमी आएगा जो उसकी फाइनेंशियल मीडियोक्रिटी को दूर कर देगा, यानी कि पैसों की समस्या को दूर करेगा, उसके पास कोई ना कोई उसके पास ऐसा आएगा। जबकि मिडिल वर्ल्ड क्लास आदमी जानता है कि ऐसा कोई नहीं आने वाला उनकी ज़िंदगी में, उनको खुद ही करना पड़ेगा जो करना है। अगर उनको ज़िंदगी में अमीर बनना है, अगर उनको ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो उनको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, खुद उस पर काम करना पड़ेगा ताकि वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिडिल क्लास प्लेज इट सेफ विद मनी, जबकि जो वर्ल्ड क्लास लोग हैं वो है कि टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क। हमेशा मिडिल क्लास आदमी पैसे को जो है ना वो सेफली खेलना चाहता है, यानी कि मेरा पैसा डूब ना जाए बस खाली, वो इसलिए बेसिकली आगे बढ़ता है। लेकिन वहीं जो अमीर आदमी होता है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, कोई योजना तैयार करता है, कोई प्लान बनाता है, कोई गोल सेट करता है किसी बिजनेस का, किसी चीज़ का, उसमें पूरा जानता है, सोचता है, समझता है उस चीज़ को, वो पूरा कैलकुलेटेड करता है उसमें कि कैसे उसमें कामयाब हो सकता है, और उसके बाद वो एक बिजनेस शुरू करता है। कैलकुलेटेड रिस्क बेसिकली वो इंसान लेता है। जुए में और कैलकुलेटेड रिस्क में फ़र्क होता है। कैलकुलेटेड रिस्क में आप पूरी चीज़ें सोच के, समझ के, पूरी जानकारी लेके, नॉलेज लेके तब आप कोई काम करते हो, लेकिन जुए में तो आप बस बिना सोचे समझे आपने वो काम कर दिया। तो जो गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो उनका ये सोचना होता है कि नहीं यार मुझे रिस्क नहीं लेना बस ज़िंदगी में, जबकि अमीर इंसान जानता है कि वो कैलकुलेटेड रिस्क जब तक नहीं लेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि वो मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि मनी इज़ नेगेटिव, जबकि जो वर्ल्ड क्लास लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मनी इज़ पॉजिटिव। दोनों की सोच कितनी है, वो एक पैसे को बुरा समझता है, यानी कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, पैसा आ जाता है तो यार लोग बुरे बन जाते हैं, लोग ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, लोगों का एक दूसरे से दूरियां बन जाती हैं, इससे ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं है, पैसे के प्रति ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, मतलब ये मैंटेलिटी होती है मिडिल क्लास की। जबकि अमीर इंसान जानता है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, जो लोगों में दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जो दुनिया में खुशियों के साधन दे सकता है। अब आप सोचो किसी को अपने बच्चे का इलाज करवाना है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा ऐसी स्थिति में? आप पैसे को क्या आप बुरा कहोगे ऐसी स्थिति में? बिल्कुल भी नहीं। वर्ल्ड क्लास जानता है कि आपको अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाना है तो आपके पास पैसे का होना ज़रूरी है, तो इसलिए वो पैसे को पॉजिटिव लेता है, जबकि मिडिल क्लास पैसे को नेगेटिव लेता है बेसिकली। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो जो है एसोसिएट्स विद एनीवन, यानी कि किसी के भी साथ जो है वो रहते हैं, किसी भी लोगों के साथ में रहते हैं, वो कैसे भी लोग हो जाए। जबकि जो वर्ल्ड क्लास लोग होता है वो केयरफुली मॉनिटर दियर एसोसिएशन, वो अपने साथ को जिनके साथ वो रहते हैं वो बहुत केयरफुली उसको मॉनिटर करते हैं। अब मिडिल क्लास इंसान सपोज करो किसी ऐसे इंसान के साथ में जो उसको खुद तो आगे बढ़ना नहीं चाहता, वो और भी बल्कि उसको जो दूसरा आगे बढ़ना चाहता होगा उसको और पीछे धकेल देगा, तो फिर ऐसे इंसान के साथ में आप रह के कामयाब हो पाओगे क्या? वहीं जो वर्ल्ड क्लास इंसान होता है वो ऐसे लोगों के साथ में उठता है, बैठता है, ऐसे लोगों से सीखता है, ऐसे लोगों के साथ में रहता है जहाँ से उसको सीखने को मिले, जहाँ से उसको आगे बढ़ने को मिले, जहाँ से उसको जो नए नए आइडियाज़ हैं, क्रिएटिविटी है, वो बेसिकली उसको सोचने को मिले, तो उससे वो उसको चीज़ हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए। तो आपको कैसे लोगों के साथ में आप रहते हो, पॉजिटिव लोगों के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ? नेगेटिव लोग तो आपको पीछे धकेलेंगे, लेकिन पॉजिटिव लोगों के साथ में अगर आप रहोगे तो वो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाएंगे। तो ये केवल सोच का फ़र्क है। तो स्टीव सीबोल्ड वही कहते हैं कि अमीरी कोई प्रिविलेज नहीं है, या फिर अमीरी जो है वो कोई लक्की चीज़ नहीं है, अमीरी जो है वो एक सोच है बेसिकली। जो वर्ल्ड क्लास लोग होते हैं वो जानते हैं कि वो सोच जब तक उनके अंदर नहीं होगी वो अमीर नहीं बन सकते, और इसी चीज़ को अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर लो तो आप भी अमीर बन सकते हो बेसिकली। तो दोस्तों ये आज की बुक समरी थी जिसका नाम था हाउ रिच पीपल थिंक, जिसे स्टीव सीबोल्ड ने लिखा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।